नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी और रजनी का अनुभव में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप और आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही होगी। साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने वाला है, यानी कल। अगर आप गर्भवती हैं तो विशेष रूप से ध्यान दें। आज हम आपको इस वीडियो में सही टाइम बताएंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, कौन कौन से नियम पालन करना है सब विस्तार में बताएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण की हानिकारक किरणों से माँ और बच्चों की त्वचा पर प्रभाव पड़ सकती है। सूर्य ग्रहण के वक्त सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव सबसे अधिक होता है, इसलिए भी गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसा माना जाता है गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणों के संपर्क से बचना चाहिए। इससे समय से पहले जन्म या बच्चों की असमर्थताएँ भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है चाकू, कैंची, सिलाई इत्यादि का इस्तेमाल करने से बच्चे पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे अपंग भी हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सूर्य को न देखने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खाने से परहेज करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के वक्त महिलाओं को क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए फौरन स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान महिलाओं को अपने पेट और नाभि के पास तुलसी का लेप लगाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान अपने पास साबुत नारियल अवश्य रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ओम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव विचारों का अंत करता है। तो चलिए बात करते हैं अब टाइमिंग की। क्या टाइमिंग है सूर्य ग्रहण दिखने, भारत में कितने बजे दिखाई देगी सूर्य ग्रहण? तो हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण की, भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण, इसलिए सूतक काल नहीं माना जाएगा। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। सूर्य ग्रहण को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दिन बैसाख माह की अमावस्या भी मनाई जाएगी। थैंक यू।